सो हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था मेरी पुरानी वीडियो में, मैं अगली वीडियो इस पे लाऊंगा कि कैसे परफेक्टली यू टर्न लिया जाए। अब तीन केसेस मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। एक तो जब ऐसी रोड चौड़ी हो, आपको रोड पे ही यू टर्न लेना है, कैसे आप ले सकते हो एक बार में। दूसरी, जब रोड इतनी चौड़ी ना हो, काफी कम हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। और तीसरा, जब आप मेन रोड पे अपना सिग्नल पे यू टर्न लेते हो तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप परफेक्टली यू टर्न ले पाओ। ये बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स की समस्या है और ये है मेरी टाटा पंच, और इसी में मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। सो अब आपको किस चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर, मैं वो पहले आपको बता देता हूँ। सीट बेल्ट यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमेशा आपको जब भी यू टर्न के लिए प्रोसीड करोगे ना, हमेशा गाड़ी स्लो ही रखनी है, आपको गाड़ी तेज नहीं रखनी है। आपको खूब आगे पीछे देखना है कि क्या हिसाब है। आपको ओआरवीएम की मदद लेनी है, यानी कि ये साइड मिरर जो है। आपको आईआरवीएम यानी कि रेयर व्यू मिरर जो है उसकी मदद लेनी है। जब यू टर्न के लिए प्रोसीड करते हो तो क्या होता है, आपको यही देखना पड़ता है ना, पीछे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, आप जिस लेन में जाने की कोशिश कर रहे हो वहां पे आप किसी को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। तो इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये जो मेरा फ्रंट डोर हैंडल है, ये देख पा रहे हो आप, ये देखो डोर हैंडल, इसको एकदम कॉर्नर में रखना है। ठीक है, ये आ गया कॉर्नर में। और सेम चीज आपको वहां पे करनी है कि ये जो कॉर्नर में आएगा, ये देखो आ गया। तो इससे ये होगा, ज्यादा से ज्यादा पीछे का आपको व्यू मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको ये रेड विंडशील्ड हर अच्छे से विजिबल होनी चाहिए, पीछे जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा या जा रहा होगा। जैसे ये रिक्शा अभी आके गया है, तो यहां पर पीछे ट्रे पे कुछ भी सामान मत रखना भाई, यू टर्न के टाइम ये सब बहुत हेल्प करता है। अब प्रोसीड करते हैं। समझो, मान लो कभी रोड इतनी चौड़ी है और तुमको इसी रोड पे अपना यू टर्न लेना है, तो कैसे लोगे। अब यहां पर कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, समझो अभी मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, यू टर्न लेना है, एक बार में नहीं ले पाते जब इतनी रोड चौड़ी होती है, तो उसका फायदा उठाना लोग नहीं जानते। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, बीच में से ही पूरा स्टीयरिंग काट देंगे और फिर यहां पर आपको रुकना पड़ता है क्योंकि गाड़ी आगे लग जाएगी। तो इस केस में आप क्या करोगे, रिवर्स लेके फिर गाड़ी पूरी ऐसे घुमाओगे, ठीक है, आप ये करोगे और फिर अपना आगे फ्रंट गियर डाल के आप गाड़ी पूरी इस तरफ राइट में घुमा के अपना यू टर्न ले लोगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और अगर आप रोड पे ऐसी हरकतें करोगे भाई, पीछे से ट्रैफिक बजना शुरू हो जाएगा, पी पॉ करना वो लोग शुरू हो जाएंगे। आपको पता है अपने यहाँ पे किसी को इतना ये नहीं है पेशेंस की, मतलब हाँ, कोई अगर बिगनर लेने की कोशिश कर रहा है अपना यू टर्न तो वो ठीक से नहीं ले पाता और वो घबरा जाता है। इंस्टेड आपको ये गलती नहीं करनी है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। अभी हमले कैसे, रोड के बीच में हम ड्राइव कर रहे थे, फिर मैंने अपना स्टीयरिंग मोड़ा था ना, जब जाके गाड़ी वहां अटक गई थी। आपको ये नहीं करना है, जब रोड इतनी ब्रॉड हो, आपको अगर यू टर्न प्रोसीड करना है, पहले पीछे देख लो अगर कोई आ रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, गाड़ी पहले पूरी लेफ्ट में डालनी है। ये गाड़ी मैंने लेफ्ट में डाली, अब पीछे देखो कोई आ रहा है कि नहीं, इधर देखो, यहां देखो, वहां देखो, अगर कोई नहीं आ रहा है, जब आपने गाड़ी पूरी लेफ्ट में डाल दी, जब एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गई, फिर पूरा स्टीयरिंग काट दो राइट की तरफ, पूरा स्टीयरिंग काट दो राइट की तरफ, और ये गाड़ी एक बार में घूम गई, बन गए तुम प्रो। इतना ही करना है, जब रोड इतनी चौड़ी हो और तुमको लेना है यू टर्न, तो पहले पूरी लेफ्ट में काटो गाड़ी और फिर उसके बाद यू टर्न लेने की कोशिश करो। मैं आपको कह रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मेरे भाई तुम ले लोगे एक बार में अपना यू टर्न, ठीक है। अब ये तो था चौड़ी रोड का, अब मैं इससे पतली रोड, जब मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स रहती हैं, समझो सिंगल लेन रोड वगैरह, उस पे यू टर्न कैसे लोगे वो मैं आपको थोड़ी आगे चलता हूं और बताता हूं। तो गाइज ये देखो सामने मेरे एक, ठीक है, प्रॉपर रोड है जो सिंगल लेन रोड होती है, यही साइज होता है उसका, ये देख रहे हो आप, यही साइज होता है जितना भी ये आरसीसी वाला पार्ट देख रहे हो। अब इस केस में कैसे हम यू टर्न लेंगे वो बड़े ध्यान से देखना। अभी देखो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट में आना है, ठीक है, पहले ही एक्सट्रीम लेफ्ट में आना है। अगर वहां पर कुछ ऐसा कच्चा रास्ता है, हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि ऐसी स्लोप सी हो कि गाड़ी आपकी वहां पे मतलब उल्टी पुल्टी हो जाए, वो नहीं, अगर ऐसा प्रॉपर आपको कच्चा रास्ता सा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी का फायदा उठाना है, उसका आपको फायदा उठाना है। और हमेशा पीछे आपको देखना है कि हाँ अगर कोई आ रहा है, तो कैसे करोगे, पहले तो आप यहां पर गाड़ी को डाल दोगे इस तरफ, मैं गाड़ी को डालता हूं, यस, फर्स्ट गियर में डालते हैं, ये इस तरफ हमने डाल दी। अब यहां पर क्या करोगे कि आपको पहले सामने से देखना है कोई आ रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर वो स्पीड में आ रहा है प्रेफरेंस उसको दो। अब तुम खुद सोच के देखो, तुम ऐसी रोड पे ड्राइव कर रहे हो, सामने से कोई यू टर्न ले रहा है अननेसेसरी, आपको आपका स्पीड ब्रेक हो रहा है,
तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगा, मतलब परेशानी होगी, तो ऐसे ही आप उसको भी मत होने देना। तो आपको इंस्टेड क्या करना है, जैसे ही आपने गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट में दबाई, फिर आप अपना स्टीयरिंग पूरा राइट की तरफ काट दो और आप यहां पर ऐसे कुछ टर्न लो, ठीक है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा आपकी गाड़ी टर्न हो जाएगी। फिर आपको करना ये होगा, रिवर्स गियर डाल के आप सिर्फ थोड़ा सा पीछे लो और फिर उसके बाद राइट लेके फर्स्ट गियर लगा के आप अपनी गाड़ी को टर्न कर लोगे। तो हमेशा ऐसे कच्चे रास्ते का फायदा उठाओ। अगर कच्चा रास्ता नहीं है साइड में तो ठीक है, आप जैसे एक स्टैंडर्ड तरीका है आप लो, फिर आपको शायद दो बार पीछे करना पड़ेगा या वैसे जो भी है, बट हमेशा इन पे नजर रखना, कोई पीछे से आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स भी हो जाते हैं, जैसे कि इस पिलर के पीछे सोचो ना क्या होगा, मुझे कैसे पता चलेगा इसके पीछे रिक्शा खड़ी है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे आगे आना पड़ेगा, वो देखो रिक्शा दिखी, या फिर मुझे ये देखो साइड मिरर इतना बड़ा है, इसके पीछे अगर कोई जानवर, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है, तो मुझे क्या करना होगा, थोड़ा ऐसे करके यूं देखना होगा या थोड़ा ऐसे ऊपर से देखना होगा कि वहां पे कुछ है कि नहीं। पेशेंस रखो, स्पीड को स्लो रखो, सो ध्यान रखो ऐसे कच्चे रस्तों का। और अगर रोड इतनी ब्रॉड है तो पूरा पूरा फायदा उठाओ, गाड़ी लेफ्ट में जितना दबा सको, पीछे देखो और पूरा राइट में मोड़ के अपना प्रोसीड करो टर्न के लिए। अब ये तो हो गई रोड पे, ठीक है। अब मेन रोड पे जब सिग्नल पे तुम यू टर्न लोगे, किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको क्विकली बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे मेन रोड पे हूँ, आगे से यू टर्न आ रहा है, मैं कैसे लूंगा, अभी स्पीड स्लो करेंगे, इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, आपके पीछे जो भी गाड़ी होगी उनको अलर्ट हो जाएगा, हाँ भाई ये ओवर अपना यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, और वो आपके लेफ्ट से निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको धीरे धीरे टर्न करना है, पहले टर्न के पास आना है, ठीक है। अब इस समय आपको क्या करना है, वहां देखना है अगर कोई स्पीड में आ रहा होगा पहले उसे जाने दो, यहां भी देखना है कोई चमत्कारी इंसान बाइक पे अगर ट्रैवल आ रहा है, गलत साइड से आ रहा है, भाई वो तुम्हारे फेंडर में आके घुस जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, रुको थोड़ा, ठीक है, इंडिकेटर तुमने दे के रखा है, फिर इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, जैसे ही ये लोग निकल जाए आपको तुरंत इसके बाद लेना है यू टर्न, ठीक है। ये यू टर्न लिया और जैसे ही यू टर्न लिया आपको अपना लेफ्ट में मेंटेन करके चलना है, राइट वाली लेन में तुरंत नहीं चलना है। इससे ये होगा कोई तुम्हारे पीछे अगर वो वाली अपनी लेन से आ रहा भी होगा ना, उसकी स्पीड अननेसेसरी डिस्टर्ब होगी, तो तुमको अपना लेफ्ट में ही रखना है, फिर जैसे समझो राइट में आना है ना, इंडिकेटर का इस्तेमाल करो, धीरे 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 तुम राइट की तरफ आ जाओ, ठीक है। इसके पहले जो रोड वाले दो मैंने आपको चीजें बताई थी, ब्रॉड रोड या फिर पतली रोड पे यू टर्न ले रहे हो, वहां भी इंडिकेटर का आपको इस्तेमाल करना है, वो मैं बताना भूल गया था, बट बिना इंडिकेटर के आपको कोई भी स्टेप बिल्कुल भी नहीं लेना है। इंडिकेटर एक ऐसी चीज है, यानी कि तुम बाहर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं यू टर्न ले रहा हूं, तू अपनी स्पीड स्लो कर ले या फिर तू लेफ्ट से निकल जा, ठीक है, उनको अलर्ट हो जाएगा। अननेसेसरी लास्ट मोमेंट पे सिर्फ टर्न लेने चले जाओगे, बीच में गाड़ी ऐसी रोक रहे हो वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये मत करना, अभी बता रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बात कुछ ऐसी है, बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स है ना इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते कि जब भी वो डिवाइडर के बाजू से यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले ही अपनी गाड़ी काट देंगे और ये जो डिवाइडर वाला पार्ट है ये आपके इधर नीचे साइड में घिस जाता है, वो पहले ही काट देते हैं, कि मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला यहां पर, ये जो पूरा नीचे की तरफ होता है वहां पे गाड़ी घिस देते हैं। अब इसको कैसे ओवरकम करना है, कि समझो आप गाड़ी ड्राइव करो डिवाइडर के पहले तो बाजू में, आपको डिवाइडर का एकदम जो एंड वाला पार्ट है ये आपको लाना है अपने लेवल में, ये मेरे लेवल में आ गया, ठीक है, मेरी आंखों के लेवल में, अभी भी थोड़ा वो आगे हो गया, मैं पीछे लेता हूं, ये देखो ये मेरी लेवल में आ गया। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, पूरा स्टीयरिंग काटना है और गाड़ी बहुत सेफली, ये देखो गाड़ी बहुत सेफली यहां पर निकल जाएगी। कुछ लोग पहले ही, मतलब जब वो डिवाइडर यहां नहीं यहां होता है ना, तभी काटते हैं और गाड़ी पूरी नीचे की तरफ घिस देते हैं। सो गाइज, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जब ओवरटेक करने जाओगे, ब्रॉड रोड हो गई, पतली रोड हो गई, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट में काटो और अपना यू टर्न लो। मेन रोड पे कैसे लेना है, आगे पीछे देखो, ओआरबीएम और आईआरबीएम रियर व्यू मिरर का पूरा जजमेंट लो, और ये जो साइड में घिस जाता है इसका भी ध्यान रखो। यही सारे यू टर्न होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ भी सवाल है नीचे पूछ सकते हो, मेरे पेज को सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं आपके लिए।
आगे कमेंट सेक्शन में लिख दो अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैंने ऐसी जो भी वीडियोस बनाई है, मेरी प्लेलिस्ट है हैशटैग सीखो और सिखाओ, वहां पे रिवर्स लेने का, लेफ्ट साइड का जजमेंट, राइट साइड का जजमेंट, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।